तो मैं कुछ लो ड्यूरेशन फंड्स के रिटर्न चेक कर रही थी। नॉर्मली जो एक साल का रिटर्न है वो दायरा काफी बड़ा है, -9.51% से लेकर 25.89% का। एक फंड जो है जिसने एक साल में 25% का रिटर्न दिया वो है जेएम लो ड्यूरेशन। एनी पर्टिकुलर रीजन अगर आपको कुछ मालूम हो इसके बारे में, इतना ज्यादा कैसे? नहीं देखिए, लो ड्यूरेशन फंड्स में भी अलग अलग तरह के फंड्स हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा फंड का चुनाव ठीक करना पड़ेगा और ऐसा फंड लेना पड़ेगा जहां पर डबल ए जो पेपर कैटेगरी होता है वो मिनिमल हो। लो ड्यूरेशन में अमूमन ये देखा गया है कि जो फंड हाउसेस होते हैं वो डबल ए रेटिंग के पेपर्स का कंपोजिशन चेंज करते रहते हैं, तो 5 से 10% तक जब तक है तो वो नॉर्मल एक लो ड्यूरेशन फंड सब में होता है। बट अगर वो बढ़कर 25-30% के ऊपर चला जाए तो शायद वो कुछ ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि उस कैटेगरी में फिर रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा आया बट रिस्क आपका बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत ही बड़ा गैप था, 25 सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर 8% के आसपास का, तो वो और थोड़ा सा फंड के ड्यूरेशन पे भी मैटर करता है। लो ड्यूरेशन जो फंड्स होते हैं उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है वो एक साल के करीबन होता है, बट अगर किसी ने उसको ड्यूरेशन को बढ़ाकर 2 साल के आसपास ले गए हैं तो लास्ट एक साल में उनका रिटर्न ज्यादा अच्छा आया होगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स नीचे ही आए हैं इस दौरान में। ओके, ऑलराइट।